यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्जांपल नंबर 11 को हमने यहाँ पर 12 नंबर के नाम से सेव किया। और देखो यहाँ पर कि जो हमारा सेट है, हमने 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर 50, 40, 10, 20, 30 कुछ ये कंटेंट स्टोर करवा दिया। और यदि आपने लिखा है यहाँ पर कि x इक्वल इक्वल y और इस एग्जांपल को यहाँ पर आपने रन करा, तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रू आउटपुट आकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दो सेट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यदि आपने लिखा है यहाँ पर प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y, तो इस कंडीशन पर आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो एग्जांपल को आपने यहाँ पर रन करा तो आउटपुट यहाँ पर फॉल्स आकर डिस्प्ले हो गया है। यदि आपने यहाँ पर यूज़ करा कि प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, तो क्या x यहाँ पर y से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया है। सेम आपने लिखा यहाँ पर प्रिंट y इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पर भी बिल्कुल, या फिर ऐसा लिख देते हैं x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन फिर x इज लेस देन y, तो यहाँ पर भी बिल्कुल फॉल्स ही आकर डिस्प्ले होने वाला है। और यदि हमने यहाँ पर रख लिया कि प्रिंट x इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसके, y के, बिल्कुल करेक्ट है, इक्वल टू तो है, तो यहाँ पर ट्रू आकर डिस्प्ले हो गया है। और यदि हमने यहाँ पर लिखा कि प्रिंट x इज लेस देन इक्वल टू y, तो बिल्कुल इस कंडीशन पर भी ट्रू ही आउटपुट आकर डिस्प्ले होगा। तो एग्जांपल को हमने यहाँ पर रन करा तो बिल्कुल सभी ने देखा कि कुछ ये आउटपुट आकर डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी सभी को इस एग्जांपल को और इसके आउटपुट को ध्यान से नोट करके लिखना है। तो अभी सभी को इतना कंसेप्ट क्लियर होगा कि इन सभी ऑपरेटर का यूज़ हम बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। यदि हम इस एग्जांपल को सबसे पहले सेव करते हैं 13 नंबर के नाम से, और 13 नंबर के इस एग्जांपल पर हमने क्या करा कि यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1, 2 और 100। तो अभी इस कंडीशन पर x इक्वल इक्वल y क्या आने वाला है, फॉल्स, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू y, सही बात है, तो कितना आएगा, ट्रू। क्या x ग्रेटर देन है y से, फॉल्स। क्या x लेस देन है y से, फॉल्स। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है y से, तो ये भी फॉल्स, और लेस देन इक्वल टू है, तो ये भी यहाँ पर क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। तो यदि हमने इस एग्जांपल को यहाँ पर रन करा तो इसका आउटपुट फॉल्स, ट्रू और फिर फॉल्स 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 आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि सेट कैसे पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बिल्कुल यहाँ पर फॉल्स ही आकर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। इतना कंसेप्ट ध्यान से सभी नोट करके लिखिएगा।